ओम शांति। आज 12 अगस्त 2022 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान देकर, योग सिखाकर, धारणाओं पर चलना सिखाया और याद दिलाया नॉलेजफुल भव। आप बच्चों के पास सबके आदि मध्य अंत की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की अच्छी सी नॉलेज है। नॉलेजफुल आत्माएं सबको स्नेह देती हैं। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान स्वरूप आत्मा बाप समान क्षमा का सागर होती है। वो कभी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखती है। जरा भी किसी के प्रति घृणा भाव है तो योग अच्छा नहीं लग सकता। अच्छे योग के लिए मास्टर नॉलेजफुल के साथ मास्टर स्नेह का सागर होना बहुत ही आवश्यक है। हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें आप समान मास्टर स्नेह का सागर बनाया, मास्टर क्षमा का सागर बनाया। आज बाबा ने देही अभिमानी स्थिति पर विशेष रूप से कहा, आप बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जो बच्चे बाप को पहचानते हैं वो समझते हैं कि बाबा ही ज्ञान सागर, सुख सागर, मात पिता, सदगति दाता हैं। ये बाबा का परिवार है, ईश्वर का परिवार है। ईश्वर के परिवार में हम आत्माएं सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हें एक दूसरे को रूहानी स्नेह से देखना है। सबको बाबा का बच्चा समझते हुए बेहद की दृष्टिवृत्ति रखनी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। तुम बच्चों को पवित्र दुनिया में जाना है, इसलिए बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। क्वेश्चन है, अंत में शरीर छोड़ते समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल निधन के बन गए। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ते 84 जन्म लेती। इसको कहा जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं, नहीं, मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। गीत में भी सुना, शिवाय नमः, ऊंचते ऊंचे शिव परमात्मा। वो है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा सुनी, शिवाय नमः। ये ऊंचे से ऊंचे भगवान की महिमा है, शिवाय नमः। तो मात पिता बंधु सहायक, ये उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, वह रचयिता वह रचना। फिर यह मनुष्य सृष्टि, इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सत्युग में पावन, कलयुग में पतित। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे,
वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। ये उनकी महिमा, वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं, उनको कहते संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उनकी महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, परमात्मा को भी याद करते हैं परंतु उन्हें कोई जानते नहीं। परमात्मा को भी याद करते हैं, उनको नहीं जानते तो ऑर्फन ठहरे ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन जाते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं, कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। ये समुद्र तुम्हारा, ये हमारा, ये धरती हमारी, ये तुम्हारी, पंजाब यूपी राजस्थान आदि आदि अलग हो गए। भाषा पर भी कितने झगड़े होते, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते। भारत स्वर्ग था तो ये कोई बात नहीं थी, अब फिर स्वर्ग होना है। बाबा बैठ समझाते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। कहते भी वो हे परम पिता, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, तुम तो जानते हो, वो तो कह देते सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा, जरूर बाप चाहिए ना वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे, फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है तो क्या वो सर्वव्यापी कहेगा। अरे बेहद का बाप तो रचयिता है, उनको ही सब पुकारते हैं। हे पतित पावन शिव बाबा, हमें आके पावन बनाओ, जैसे स्वर्ग में पावन थे ऐसे फिर आकर हमें पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं, जब से रावण राज शुरू होता सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं, दर दर धक्के खाते रहते, समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियाँ ठिक्कर भीतर की बनी हुई हैं, समझते इनमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया, वह तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते, फिर जब पुराने हो जाते तो फेंक देते। ये गुड़ियों की पूजा, कहते हे बाबा हमें सदगति दो। सबका सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है, उनको सब मनुष्य भूल गए, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति बापों का बाप वह है। बाबा कहते बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई, खाद पड़ गई। सच्चे सोने में खाद डालने से, अलाए पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। ये भी तमो प्रधान दुनिया है, पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन में आ जाते, आत्मा पतित होती जाती, अभी बिल्कुल आयरन एज्ड हो गए। वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया। जो पहले पहले थे जरूर उनके ही पूरे 84 जन्म होते, क्रिश्चन आते ही बाद में हैं, वह 84 जन्म तो ले ना सके, वह 35-40 जन्म पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी जब पूरी होती है फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है, पुरानी दुनिया में सब दुखी हैं। कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है, यहाँ सब दुखी हैं। फिर इन सबको सुखी बनाने वाला एक बाप है। सत्युग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता। साइलेंस वर्ल्ड फिर सटल वर्ल्ड, वहाँ शरीर ही नहीं तो आत्मा आवाज़ कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। सूक्ष्म मतन में तो आवाज़ ही नहीं, अब इसको आयरन एज कहते। पहले गोल्डन एज में थे, अब बाबा आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सत्युग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते, उसको राम राज्य कहा जाता। अब तो है रावण राज्य, एक दो पे काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते बच्चे कामा शत्रु है, इसने तुम्हें दुखी किया है, तुम बच्चे गिरते आए, अभी कोई कला नहीं रही। फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाबा आए हैं, इसमें सन्यासियों के माफिक घर बार को छोड़ना नहीं, पावन दुनिया में जाने के लिए ये अंतिम जन्म,
तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते, बच्चे अब देही अभिमानी बनो। बाप कहते, देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती, हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। ये श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे बाबा हम आपके बने हैं। हे बाबा अब हम आपके बने हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ सर्व की सदगति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने। तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब शिव बाबा से वर्षा सुख का प्राप्त कर पाए। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता थे, तुमने 84 जन्म लिए, अब वो देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित बन गए वही पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में हैं वो स्वर्ग में जा ना सके। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए, उनको ही फिर से पावन बनना है। बाप कहते, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बिगर तुम देवी देवता नहीं बन सकते। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता, जगत अम्बा, उनके इतने बच्चे कैसे होंगे। अब है ब्रह्मा मुख वंशावली, सब मम्मा बाबा कहते हैं, कैसे बच्चे बने। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अपना बनाया। तुम शिव बाबा को याद करते हो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहने ठहरे। ये है युक्ति। बाबा कहते, घर गृहस्थ में भले रहो लेकिन कमल फूल समान पवित्र बनो। ये करके दिखाओ, घर बार छोड़ने की बात नहीं, अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर होनी है। बाप बच्चों को समुख बैठ समझाते, ये मधुबन हेड ऑफिस, कितने सेंटर्स खुलते रहते। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्यूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है, इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते, तुम सो देवी देवता थे, अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है, कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, कुमार कुमारियाँ तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम, ये है दुख धाम। आप सबको सुख का रास्ता बताते हो, चलो अपने सुख धाम, ये है दुख धाम। अब बाबा को याद करना है। बाबा कहते, पवित्र बनो मामेकम याद करो। पवित्र बनो मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है, दुख में भगवान को याद किया जाता। बाप स्वर्ग में ले जाते फिर वहाँ क्यों याद करेंगे। कहते, हे प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कहेंगे, तो मात पिता हम बालक तेरे। अब वो तो है स्वर्ग के मालिक, वो थोड़े ही सबके मात पिता हो सकते हैं। श्री कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती। स्वंबर के बाद फिर नाम बदल जाता, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते। दीप माला पर महालक्ष्मी को बुलाते, वह है युगल। अब तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, तुम वो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। आप सच्चे ब्राह्मण हो, आप सबसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते, तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। ये वही महाभारत लड़ाई है, यहाँ है यौवनों की लड़ाई, सत्यों में कोई लड़ाई नहीं होती। बाबा कहते, इस रावण राज्य में तुम्हें इस रावण पर जीत पानी है, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं,
ये महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापस ले जाएंगे, बाप सबकी सदगति करते, आत्माओं को वापस ले जाते। अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, सन्यासी तो दे ना सके, वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़े ही है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, सन्यासी कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं करते, बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब इस स्वर्ग की स्थापना हो रही है, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अंत में जागेंगे। अब सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे, अभी नौ प्रजा, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर सृष्टि को चक्र खाना, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते, तुम हमारे बच्चे हो। शिव बाबा निराकार ब्रह्मा मुख से कहते, तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है मुख वंशावली, तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवान वाच, एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती हैं, जहाँ बाबा रहते हैं, फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने, आप आए हो बाबा के पास पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है, तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, ये है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुनकर अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वो पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया वो बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनना है। वरदान है, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सब बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, अंडरलाइन करेंगे, जैसे बाप सब बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति कभी घृणा भाव नहीं हो सकता। सरल शब्दों में, जैसे बाबा के मन में सबके प्रति रहम है, कल्याण है, हमें भी बाप समान सबके प्रति कल्याण की भावना, रहम की भावना रखनी है, स्नेह की दृष्टि रखनी है। स्लोगन है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना, ये यूनिटी का आधार है। हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि वृत्ति को अपनाना यूनिटी का आधार है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर स्नेह सागर हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ। जैसे बाबा
रहम का सागर है, स्नेह का सागर है, मैं भी बाप समान हूं। मुझे किसी से कोई घृणा नहीं। हर एक आत्मा स्नेह सागर की संतान है। मैंने अपने सूक्ष्म घृणा के अंश को भी पहचाना है, जैसे बाबा सबको स्नेह देते हैं, मैं आत्मा भी मास्टर स्नेह सागर हूं। बाबा से शक्तियां लेकर चारों तरफ इन शक्तियों के प्रकंपन फैलाएं, सबका कल्याण हो, सभी आत्माएं स्नेह सागर को पहचान उसकी छत्र छाया में आ जाए। शुक्रिया बाबा, बारंबार शुक्रिया। ओम शांति।